back to the channel. It's day 2 in Hampi और आज हम निकले हैं to the other side of the river to explore few other villages and देखना है वहाँ पे और क्या क्या है. We are also going to one of the lakes over there. बोला है कि वहाँ पे जो एक boat ride होती है that's a special kind and I think one should definitely explore something that's unusual. So let's go for this. Also, for some reason, hippie village is absolutely shut. अभी फिलहाल वहाँ पे शायद एक या दो ही कैफे खुले हैं. So I'm not sure if we are going to hippie village, but अगर हम जाएंगे, obviously I'll let you guys know about it. सनापुर लेक. एक्चुअली यहाँ पे दो जगह पे होता है, एक होता है तुंगभद्रा रिवर पे और एक होता है सनापुर लेक. आई हैव हर्ड कि तुंगभद्रा रिवर इज जनरली क्राउडेड और हम लोग को थोड़ा सा ऐसी जगह पे जाना था वेयर इट्स अ लिटिल कामर, इट्स अ लिटिल सरीन. सो वी आर ओवर हियर. द बोट राइड्स आर अ लिटिल एक्सपेंसिव. सो करंटली हम लोग को मिला है हाफ एन आवर फॉर 700 रुपीज, विच आई थिंक इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. बट देन जब हम यहाँ पे आए एंड वी सॉ द व्यू, वी कुडंट हेल्प आवरसेल्व्स एंड वी वर लाइक नहीं तो करना ही है यहाँ के, अदरवाइज यू वुड हैव रियली फेल्ट लाइक वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. सो वी आर एंजॉयिंग दिस बोट राइड एंड लविंग इट. कितना ऊंचा है पानी? कितना डीप? 15 फीट. मम्मा ये हाथ छूटेगा नहीं, छूटेगा. बनाना फाइबर कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ पे बनाना के वुड स्टेम्स लीव्स उन सबको बना के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं एंड देन दे सेल दिस थिंग. सिंस बनाना इज मेक द मेन प्लांटेशन, यहाँ पे उनको बनाना क्रॉप्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. सो लेट्स चेक आउट कि उन्होंने बनाना फाइबर से क्या क्या बनाया है. सो गाइज, आफ्टर विजिटिंग द बनाना फाइबर कॉटेज उसके बाद हम गए टू द तुंगभद्रा रिवर. वहाँ पे वी जस्ट रिलैक्स फॉर अ लिटिल वाइल. उसके बाद हम लोग को भूख लगी थी इसलिए हम आ गए टू दिस क्यूट लिटिल कैफे. यहाँ पे अब हमने खाना वाना ख़त्म कर दिया है. नाउ इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग सो वी आर गोइंग टू द सनसेट पॉइंट. फाइनली एट द सनसेट पॉइंट. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मान्यवंता टेम्पल. ये एक्चुअली राम भगवान का मंदिर है बट थोड़ा ही उससे ऊपर आप अगर आओगे तो पूरा आपको हम्पी का व्यू दिखेगा एंड यू कैन एंजॉय द सनसेट ओवर हियर. गाइज लुक एट दिस व्यू, पूरा हम्पी आपको यहाँ से दिखता है. इजंट इट जस्ट मेस्मराइजिंग? यूड वॉन्ट टू जस्ट सेटल ओवर हियर, यू नो. मतलब ऐसे 2-3 घंटे यहाँ पे अगर आप बिता भी दोगे ना लुकिंग एट द सन, इट्स सम डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. So guys, actually I missed out on shooting my outro in Hampi. So I'd like you guys to know that I am back home. And there's this one incident जो मैं आप लोगों से share करना चाहती हूँ. So आज जैसे आप लोगों ने video में देखा है कि
आई वॉज सिटिंग इन अ कैफे फॉर फूड. तो एक्चुअली हम एक दिन पहले भी उसी सेम कैफे में गए थे एंड वी लाइक द प्लेस एंड वी लाइक द फूड ओवर देयर. सो वी डिसाइडेड कि आज भी हम वहीं पे जाएंगे. एंड व्हाइल वी वर देयर हम लोगों ने वहाँ पे खाना वाना ऑर्डर किया एंड वी वर जस्ट सिटिंग. इट वॉज लेट, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली लंच टाइम. आई थिंक 3 या कुछ ऐसे बज रहे थे और उस टाइम पे हम वहाँ पे थे एंड इट वॉज जस्ट मी एंड माई मॉम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो एज यू गाइस सो आई वॉज सिटिंग ओवर हियर एंड माई मॉम वॉज सिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ मी. एंड मुझे पूरा का पूरा कैफे दिख रहा था एंड इट वॉज एम्प्टी, लाइक इट वॉज जस्ट मी एंड मॉम. एंड देयर इज दिस मैन हु केम, आई थिंक वो वहीं विलेज का ही कोई तो होगा. ही केम, ही सॉ अस एंड फॉर सम रीजन ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर फॉर लाइक अ लिटिल वाइल. नाउ दैट्स फाइन राइट, एनीबडी कैन डू दैट. बट द वियर्ड पार्ट वॉज दैट ही कॉन्स्टेंटली केप्ट स्टेयरिंग. Now, the first thing that any girl would do would just stare back to let the guy know, okay, dude, back off. I mean, I know what you're doing and don't do it. I didn't think he understood that thing. So, usne fir kya kiya? Wo aake wahan pe baith gaya. So, he sat on the first table that was there in the cafe, exactly at the entry point, and I was sitting on the last. But obviously, we could see each other since the door was right in front of my eyes. So, I ignored for a little while, but then I saw he kept staring and he has sat down now. So, now it was time for me to do something. Now, generally, ladkiyon ke man mein aata hi aata, they are very scared and they just want to leave. Or they would be like, isko kuch maar do ya ladai kar lu. But then I thought, I'll just do a simple trick. So, what I did was, I confronted the person. I was like, bhaiya, aapko kuch chahiye kya? And he was taken aback. He was like, okay, this lady is talking to me. So it took him a few seconds to process. And then he's like, no. And then I was like, nahi, aap constantly yahan pe dekh rahe ho na. Toh mujhe laga ki aapko kuch chahiye. So he was like, nahi, nahi, kuch nahi. And it was so awkward for him. He was so embarrassed. Within like 5 seconds, he left the cafe. And my mom did not know, right? All of this was happening because her back was towards the door. तो मामा आस्क मी, मैंने उनको बताया ऐसा हो रहा है एंड मामा वाज लाइक यू डिड अ ग्रेट थिंग. सो फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर हु आर ट्रैवलिंग सोलो और दे आर इन कंपनी विद अदर वुमेन एंड यू नो दे हैव टू ऑलवेज कीप देयर गार्ड्स अप, नो दैट यू नो जस्ट कॉलिंग आउट दैट पर्सन एस्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस वुड डू अ लॉट ऑफ बेनिफिट. आई थिंक द पर्सन वुड in the first instance the person would get embarrassed and you know a lot of people, if anyone is around, they'll be aware that something wrong is happening. So I think that's the first step to do. And I think if anything intense or serious is happening, you always have your phone with you, please record the person's face. That is going to go a long way. It's gonna be very helpful for you. I think this one trick really worked for me. And I'd like to know from all the women out there, have you ever experienced something like this and what has been your reaction to it? Please comment down below and mujhe bataiye, and everybody who's watching the vlog, un sabko bhi bataiye ke this has this happened with anyone. But otherwise, I'd like to tell everybody out there ke Hampi is absolutely safe place. I reached Hampi late in the night from Hubli around say 9:30 or 10, and it was like a 20 kilometer long journey. And हम लोगों को जो ऑटो वाला मिला था, सो इट वॉज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, राइट? सो बीच में पूरा फार्मिंग लैंड था, सो वहाँ पे लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं थे, लोग नहीं थे, कुछ नहीं था. बट आई रीच एट दैट प्लेस वेरी सेफली. मैं जो 2 दिन टूर भी कर रही थी, इट वॉज इन एन ऑटो रिक्शा, एंड पीपल ओवर देयर इन जनरल आर वेरी वेरी हेल्पफुल. सो यू नो आई वुडंट से कि आप एक पर्सन से पूरे सिटी को जज कर सकते हो, बिकॉज आई हैव मेट सम वेरी वेरी नाइस पीपल इन हम्पी. बट दिस वॉज जस्ट वन ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड एंड आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू गाइज. Other than this, on a lighter note, I bought this souvenir from Hampi. It's stone made. This is basically the stone chariot jo aap logo ne dekha in the vlog before this. I got this one over there for I think 300 rupees. Aur ye sabse chota wala tha, isse bade bade bhi usme wahan pe the. And I think if you go over there, please buy these souvenirs, you know, because they are very cute and they are very unusual. आप लोगों को बहुत सारे ऐसे souvenirs वहाँ पे देखने मिलेंगे, so please check them out. एंड आज के लिए हम रखते हैं बस इतना ही. इफ़ फॉर वट एवर रीजन यू एंजॉयड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.